हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी वाली वीजे आमन, जिसको आप देखते हो और सुनते हो द हिंद रेडियो पे। और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। वैसे तो हर बार कोई ना कोई स्पेशल सेलिब्रिटी होता है, लेकिन आज वाले सेलिब्रिटी के अंदर कुछ खास बात है जो किसी और सेलिब्रिटी में नहीं है। वो ये है कि इनसे भाई डायने जो है वो डरती हैं, चुड़ैल जो है वो डरती हैं। और मुझे लगता है ये ही इज नॉट इन इंडिया करेंटली, और ये बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके मुझे लगता है वहां की डायन और चुड़ैलों को जाके जो डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑल द वे फ्रॉम देयर हमारे साथ हैं यहाँ पर आज आपके अपने फेवरेट शो स्टार प्लस नजर से निशांत, यानी कि सुमित कौल जी हमारे साथ शो में। वेलकम सुमित जी टू द शो KYC नो योर सेलिब्रिटी। Thank you, Aman. Thank you for having me. I'm really glad to be here. And hopefully, I'll be able to share some nice insights, and hopefully, it'll be a nice, engaging, and entertaining conversation. Definitely, क्योंकि आपके पास वो रहस्यमय किताब भी है, तो उसके अंदर सारे रहस्य छुपे हैं। I'm sure आप कुछ जरूर निकाल कर आएंगे हमें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आप कश्मीर से संबंध रखते हैं, यू आर फ्रॉम कश्मीर, यू आर अ कश्मीरी पंडित, और उसके बाद मुंबई आना, मुंबई का सफर, मुझे लगता है बहुत फर्क है कश्मीर और मुंबई की हवाओं में। यू नो, अगर हम बात करें जिंदगी की स्पीड में, लोगों के अंदर भी बहुत फर्क है। तो आपका कैसा आपका सफर रहा, कैसे आपको बदलाव महसूस होते हैं यहाँ पर मुंबई में? एक्चुअली यहाँ आई वुड प्रोबब्ली करेक्ट यू कि मेरी पैदाइश एक्चुअली मुंबई की है। Okay. मैं पला पैदाइश यहीं पर मुंबई में हुई, यहाँ पर बोल रहा हूँ मुंबई में, और पला बड़ा भी वहीं पर हूँ। लेकिन मेरा कश्मीर से वास्ता हमेशा रहा है। मैं हूँ कश्मीरी पंडित, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कश्मीर से हैं, दादा परदादा सभी कश्मीर से हैं, तो हमारा एक घर भी था नवासी तक। Okay. उसके बाद सब छोड़ छाड़ के वहां से चले आए, बट मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है। मैं पला बड़ा वहीं पर हूँ, पढ़ाई मैंने वहीं पर की। बट हाँ, ये एक्चुअली एनी स्मॉलर क्वेंट टाउनिश प्लेस और एक सिटी में एक जो एक एक बसलिंग लाइफ का जो डिफरेंस होती है कि जहाँ पर सिटी में हर इंसान सिर्फ दौड़ रहा है, भाग रहा है कहीं पहुंचने के लिए, कहाँ पहुंचने के लिए किसी को पता नहीं, और एक स्मॉलर टाउन या स्मॉलर सिटी जो होते हैं क्वेंट सिटीज, वहां पर थोड़ा सा पेस ऑफ लाइफ स्लोअर होता है। तो वो तो एक बेसिक डिफरेंस आपको इंडिया में कहीं भी नजर आएगा। बाकी स्पेसिफिकली अगर आप कश्मीर को देखें और बाकी हिंदुस्तान में बाकी जगहों को देखें, तो बिकॉज ऑफ इट्स स्टॉक ब्यूटी, वो इतनी खूबसूरत जगह है कि एक जिंदगी तो होती ही है, उसके साथ साथ एक मेरे लिए वो हमेशा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है वहां पर जाना, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय जस्ट इमेंस ब्यूटी। एंड जनरली कश्मीर इज अ वेरी सॉर्टेड, ठंडे दिमाग के, ज्यादा जोशीले गर्मीले नहीं होते हैं, बहुत आराम पसंद और हम्बल होते हैं काफी। तो वो एक वातावरण जो है ना, वो एक दौड़ भाग का नहीं होता है, एक बहुत ही शांत। वो अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 30 साल में वहां पर जो भी वायलेंस हुई है, बट वो उस जगह का कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअली उस जगह के लोगों का कैरेक्टर नहीं है। जी, वो आई थिंक वो बाहर से, सब बाहर, इट्स एन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ट्रू। सो आप मुझे, जैसे आपने बताया कश्मीरीज के बारे में, दे आर वेरी काम, दे आर वेरी पीसफुल सॉर्टेड, तो आप भी वो चीजें अपने अंदर कैरी करते हैं, बिकॉज़ आप बोर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुए हैं। तो आई थिंक इट्स ऑब्वियसली वो एक जगह का कैरेक्टर तो है, लेकिन उस जगह के कल्चर का भी कैरेक्टर है। यू सी, आप जैसे आप जनरली चाहे वो बंगाल में पला पड़ा हो या बाहर पड़े पला पड़ा हो, लेकिन एक बंगाली जो होते हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं जी। तो वो एक कल्चर का एक हिस्सा होता है। अब आप पंजाबी जो हैं वो चाहे पंजाब में पले बड़े हों या बाहर हों, एक जो एक एफोवेसेंट क्वालिटी होती है, यू नो, एक
always go getting quality होती है वो पंजाब it's part of हाँ you know it's part of the culture it's part of the upbringing तो उस हिसाब से I would say कि हाँ मतलब despite मतलब मुंबई में पैदा होने के बावजूद यहाँ पल बढ़ने के बावजूद वो जो एक वो एक क्वालिटी सभी में होती है तो हम मुझमें भी है एंड और उसके अलावा आई थिंक एक 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 और जो टेंडेंसी जो कश्मीरीज में होती है हम जनरली नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होते हैं मतलब ना कि आप अपना संभालिए मैं अपना संभालता हूँ और कश्मीरी पंडितों में तो और भी ज्यादा मतलब बिकॉज द ओनली थिंग दैट हैज बीन वेरी वेरी प्रेविलेंट बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडितों में वो एजुकेशन रहा है कि वो है ना पेरेंट्स आपको बोलते हैं आप पढ़ लो भैया अच्छी तरह पढ़ लो पढ़ लिख लो और फिर अपनी जिंदगी संभाल लेना किसी से झगड़ा वगड़ा मत करना किसी से पंगे मत लेना अपने अपने अपनी जिंदगी में रहना ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है तो ऐसे बैकग्राउंड से आना और फिर यू नो एक एक्टर बन जाना जहां मतलब आप हर इंसान के साथ घुल मिल रहे हैं आप एक खुली किताब हैं अलग अलग कैरेक्टर में घुल जाना एक्सप्रेसिव होना तो दैट इज हाँ तो कश्मीरी एक्सप्रेसिव बहुत है अच्छा बहुत एक्सप्रेसिव अरे 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 मतलब जैसे और मैंने उसका ना कुछ अपने फिल्म्स में भी उसका इस्तेमाल किया हुआ है बिकॉज़ ऑफ द वे आई लुक एंड यू नो आई टेंड टू स्पेशली फिल्म्स में टचवुड मुझे टेलीविजन में यू नो सो कॉल्ड टाइपकास्ट नहीं किया गया कि मतलब इसको सिर्फ आप सिर्फ कश्मीरी काइंड ऑफ कैरेक्टर दीजिए लेकिन फिल्म्स में मुझे ज्यादातर देखा जाए तो बहुत सारी फिल्मों में मुझे कश्मीरी कैरेक्टर तो उसमें लेकिन एडवांटेज यह है कि जो एक कश्मीरी लाउडनेस होती है अच्छा देयर काम बट देयर मैनरिज्म्स आर लाउड इन द सेंस वो जब आपसे मिलेंगे अरे आइए 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 बैठिए ना के क्या क्या खाएंगे चाय पियेंगे थोड़ा सा हाँ समोसा खाएंगे थोड़ा सा आई प्लीज मेरे लिए हाय 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 अरे प्लीज प्लीज एक मिनट तो वो वेरी स्वीट नेचर्ड वेरी वार्म वेरी फ्रॉम द हार्ट एंड the behavior pattern is वो उनका ना थोड़ा सा वो extra dramatic होते हैं बहुत तो अगर उनको कुछ चीज बुरा भी लगे अरे अरे मेरे साथ क्या हो गया अरे हाय हाय मुझे कोई बचाओ हाय तो एक तरह से तो ड्रामा हमारे खून में भरा हुआ है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है चलिए ये कुछ नया जानने को मिला आज कश्मीरीज के बारे में थोड़ा सा बहुत ड्रामेटिक होते हैं जी मुझे मुझे मूवीज में तो हमने देखा है अक्सर तो मुझे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में दे डू लाइक दैट इन रियल लाइफ नहीं नहीं वैसे ही है औरतों को सुनेंगे तो अच्छा तुम्हें पता है क्या हुआ था चला गया उसने उसको कहा उसने उसको बोल दिया वो उसके साथ चक्कर चल रहा है तो बहुत वो फेशियल एक्सप्रेशंस ना बहुत वो सटल कुछ सटल नहीं होता सब लाउड होता है बाकी अंदर से बड़ा एकदम शांत एकदम गाय से एकदम जी आप इतनी मूवीज कर चुके हैं हैदर मुल्क आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है तो वो जर्नी क्योंकि आप सीरियल्स में भी कर चुके हैं बट ऑब्वियस है सीरियल्स और मूवीज की जर्नी बिल्कुल ही अलग होती है लेकिन वो एक बैलेंस मेंटेन करना अपनी लाइफ में और मुझे लगता है उस बड़े पर्दे तक अपनी छाप छोड़ना इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में तो मैं मानती हूँ कि ये जर्नी रही तो बहुत टफ होगी आपके लिए मुझे लगता है ये एक सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं किसी भी जगह आई थिंक ये मुझे लगता है गलत फहमी है कि आप अपनी जिंदगी प्लान कर सकते हैं देयर इज नथिंग लाइक दैट आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हो आप अपनी मेहनत कर सकते हो और फिर जिंदगी आपको जिस दिशा में ले जाना चाहती है ले जाएगी आप मैंने कहता हूँ कि प्री डेस्टाइंड है हो भी सकता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन आपका काम अपना अपनी राह बनाना नहीं है जो राह बनती जाए और जो सिचुएशंस आते जाएं उसको उस पर रिएक्ट करना है तो मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जब शुरुआत की थी फिर से जब शुरुआत की थी क्योंकि मैं 2000 से 2004 तक मैं थिएटर करता रहा उसमें
एक दो फिल्में भी कर दी मैंने, छोट बहुत पार्ट्स किए थे मैंने, और बहुत हल्का फुल्का टेलीविजन किया था। और फिर 2004 में मैंने छोड़ दिया था एक्टिंग, और फिर 2007 में मैं वापस फिर से एक्टिंग में वापस आया था। तो पहले दो साल मैं सिर्फ एड ज्यादा करता रहा, समझने की कोशिश कर रहा था कि अब कैसे करूँ क्या करूँ। तो 2009 में जब मैंने रियली एक नया पुश देने की कोशिश की अपने करियर को, तो मैंने रियलाइज किया भैया आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन टेलीविजन। मैं फिल्मों पर फोकस करना ही नहीं चाहता मैं टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन का एक एडवांटेज एज एन एक्टर है कि आप टेलीविजन में रहकर ना एक्टिंग को एक प्रोफेशन बना सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ फिल्म के लिए कोशिश करेंगे तो वो एक करियर ऑप्शन है बस। मतलब वो कब आएगा आपके पास, फिल्म कब आएंगी, यू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं कतार में, और जितना टेलीविजन कंटेंट बनता है उस कंपैरिजन में फिल्में उतनी नहीं है। मतलब फिल्म्स बनती हैं और फिर फिल्म्स में ज्यादातर दे वुड ऑलवेज प्रेफर अ नोन फेस, सो दैट प्रोसेस दैट पास इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैंने कहा मुझे उस प्रोसेस में मुझे अपना एफर्ट्स नहीं डालने, हो गया तो हो गया जी। तो आई वर्क टूवर्ड टेलीविजन ऑलवेज। तो मैंने कभी ये नहीं बनाया था कि नहीं मुझे दोनों चीजों में करना है, इसमें भी यू नो कहते हैं ना फील्डिंग करनी है मुझे, लोगों से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, मैंने वो सब नहीं किया। लेकिन हाँ, टेलीविजन के लिए मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिला, उनसे यू नो कॉन्स्टेंटली उनसे पूछता रहा भाई ऑडिशन है क्या है क्या नहीं। तो मैंने मेहनत टेलीविजन में की और टेलीविजन का मेरा रेगुलर चलता रहा ऊपर वाले की दया। बीच में मेरी, मुझे लगता है मेरी आई वॉज जस्ट लकी, बिकॉज बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो फिल्में करना चाहते हैं जी। लेकिन क्योंकि आप टेलीविजन में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं, आप सो कॉल्ड मीटिंग्स नहीं कर पाते, यू नो कॉन्स्टेंटली ऑडिशन नहीं कर पाते, या अगर आपको कोई फिल्म मिल भी जाती है तो आप टेलीविजन के डेट्स में अटके पड़े रहते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता। तो मेरे लिए आई वॉज जस्ट लकी कि मैं एक टेलीविजन शो कर रहा था, और वो दो दिन एक जान शायद कर रहा था मैं, और उससे पहले भी मैंने छुटपुट पार्ट्स किए थे फिल्मों में, रॉक स्टार में कुछ एक सीन का कुछ किया था, तो वो आसान भी से हो गया था। बट हैदर मेरे हिसाब से एक बड़ा किरदार था जो मुझे मिला था, एक बहुत अच्छा किरदार था, और एक बहुत अच्छी फिल्म में एक कमाल के राइटर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का जो मौका मिला था। तो देयर आई गॉट लकी ऑल्सो बिकॉज मैं, हम ना इसमें एक अच्छा किस्सा है कि मैं, विशाल जी और मैं, हम काफी सालों से साथ में टेनिस खेलते थे। तो अब मेरा क्या है, जो कहते हैं ना, मैं बता रहा था ना, कश्मीरी खून जो है काम सॉफ्ट, ज्यादा यू नो किसी और के काम में घुसना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कभी पूछा ही नहीं विशाल जी से, मैं उनके साथ टेनिस खेलता हूँ एज एन एक्टर, मैंने उन्हें कभी पूछा ही नहीं कि प्लीज अगर कुछ यू नो हो आपके फिल्मों में प्लीज मुझे याद रखना या कुछ। मैं सिर्फ टेनिस खेलता था क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे मांग नहीं सकता, यू नो अजीब लगेगा जो भी है, तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो एक दिन, और ये तो हम हैदर से के पहले हम अराउंड 7-8 साल तक रेगुलरली खेलते रहे। तो एक दिन हम खेल के क्या बोलते हैं मेन्स रूम जो होता है वहां पर शावर लेके चेंज करके बाहर आए, तो उस वक्त मेरे बाल इसी तरह पीछे पड़े हुए थे, और उस समय काम नहीं था तो मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा सुमित तुम तो कश्मीरी हो ना। मैंने कहा हाँ हाँ यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं, और तुमने भी बताया नहीं। मैंने कहा क्या नहीं बताया। उधर नहीं, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और वो कश्मीर पे बेस्ड है, तो तुम तो बहुत सही हो गए उसके लिए। तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावला जी जो थे वो आप हैं, मतलब वो आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आई थिंक वो हो गया, वो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कोई मेहनत नहीं की उस पार्ट को हासिल करने के लिए, आई जस्ट हैपन टू बी नोन टू हिम। मैंने कभी भी उस चीज में यू नो उनको कॉन्स्टेंटली ये नहीं दिखाया, देखिए ये मेरा आज ये काम आया है, देखिए सर ये आज मेरा काम आया, यू नो मैंने एक्टिंग की कभी बात ही नहीं की उनसे। यू नो उनकी अगर कोई फिल्म आ रही होती थी तो उसके बारे में मैं, मुझे ये पसंद आया जो भी वो, यू नो इट वॉज अ वेरी
क्रिएटिव डिस्कशन. तो फॉर्चुनेटली वो हुआ और उसकी वजह से आई फील एक एक इमेज बन गई कि ये इंसान जो है जो टेलीविजन करता है वो अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, ये फिल्मों में एक धारणा एक हवा सा बन जाता है कि टेलीविजन एक्टर है तो वो यू नो 24/7 वाला एक्टर है, वो मतलब वो एक्टिंग नहीं करता है, वो सिर्फ डायलॉग्स बोलते हैं. okay. उन्हें एक्टिंग थोड़ी आती है. यू नो कई फिल्मों में ये एक थोड़ा सा डाउन देखा जाता है. आई डोंट नो क्यों, बट प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि टेलीविजन मेकिंग भी जो है वो एक बहुत ही एलैबोरेट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको यू नीड टू चर्न आउट एपिसोड्स यू नो. तो जबकि मुझे लगता है टेलीविजन में कुछ बहुत अच्छा काम भी होता है और कुछ नॉट सो ग्रेट. तो वो एक ऑडियंसेस में एंड विद इन द फिल्म सर्कल्स एंड द टेलीविजन सर्कल एक आई थिंक एक मोटा मोटा एक इमेज बन गई कि हाँ ठीक है ये टेलीविजन तो करते ही है और ये फिल्म की है, इसमें भी अच्छा काम किया जी. तो यू नो ही डज टेलीविजन एंड ही इज आल्सो गुड एक्टर. हाँ तो मतलब दोनों है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब टेलीविजन एक्टर क्यों नहीं गुड एक्टर हो सकता मतलब. तो उसके बाद फॉर्चुनेटली यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन फिर भी रेगुलरली मुझे फिल्म्स नहीं आते थे तो वो किया. उसके बाद फिर 6-8 महीने कुछ कहीं से कोई कॉल ही नहीं आई. फिर टेलीविजन का कॉल आया चक्रवर्ती अशोक सम्राट के लिए, फिर उसमें लग गया. तो लग गया मतलब मैंने कुछ नहीं किया, वो आ गया काम. तो उसमें 8-9 महीने निकल गए, एक साल निकल गया. अब जब वो कर रहा था तो कोई फिल्म नहीं कर पाया. फिर वो खत्म हुआ तो उसके बाद आई थिंक एक दो और शोज हुए. उसके बाद लैला मजनू आ गई जी, यू नो वो आ गई. अब जब वो आ गई तो फिर मैं और टेलीविजन में नहीं कर पाया. तो देयर वाज नो आइडिया ऑफ बैलेंसिंग इट इज यू नो मैं बैलेंस कुछ नहीं कर रहा था. जो मेरे पास काम आ रहा था मैं वो ही कर रहा था जी. और जब वो एक काम कर रहा था तो दूसरा काम नहीं कर सकता. जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो किसी और के साथ जूम कॉल नहीं कर सकता. तो हाँ अक्सर देखा गया है जो सदी के महानायक होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी आवाज मतलब पूरे सिर्फ भारत में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनकी आवाज सुन के पहचानते हैं कि आप अमिताभ बच्चन. ऐसे ही हमारे लेजेंड है रजा मुराद जी, उनकी आवाज भी बहुत एक जानी मानी पहचानी है. इसी तरह से आपके अंदर भी वो एक गुण एक क्वालिटी है आवाज की, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप हैं. तो इस शौक के बारे में अपने इस, क्योंकि मुझे लगता है यार ये गुण जो है वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है. सिंगर मुझे लगता है आप सिंगर और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. एक लेकिन एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में एक इमोशन डालना आवाज के अंदर, यू नो वर्ड्स को कैच करके उसके अंदर हर एक वर्ड के अंदर एक्सप्रेशंस देना, वो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है. हाँ मतलब कोई भी काम आप अच्छी तरह करना चाहें तो आसान तो नहीं होता. बाकी आई थिंक ये जो आप कह रही हैं कि हर एक में आपको ये क्वालिटी नजर नहीं आती, तो एक से एक आपको समझना पड़ेगा. एक चीज होती है एक वॉइस क्वालिटी, यानी कि हर इंसान की एक वॉइस क्वालिटी होती है. मेरे हिसाब से कुछ भी अच्छा या बुरा या सही गलत नहीं होता, हर एक इंसान की अपनी वॉइस क्वालिटी. अब उस वॉइस क्वालिटी का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि यू नो ये मेरा गिवन फ्रेमवर्क है, अब इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा वो आप कितनी ट्रेनिंग उस पर करते हैं उस पर डिपेंड करता है जी. मेरे साथ फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डूइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिएटर मैंने अपने हाव भाव अपने क्या बोलते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज पे तो काम किया था. साथ में मैंने अपने लैंग्वेज पर, उच्चारण पर, डिक्शन पर एंड ऑल्सो वॉइस पर काफी अमाउंट ऑफ काम किया था. देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट वन कैन डू बिकॉज मेरी आवाज अगर आप एक्चुअली 15 साल पहले सुने तो वो बहुत अलग थी. जैसे मेरा मैं नेचुरली ऐसे बात करता था, मेरी आवाज जो थी वो ये लेवल की आवाज थी और उसको यहाँ से यहाँ लाना एक प्रोसेस लगा है. जी जी यू नो उसको तो मैं इस पे एक्चुअली मैं आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट वीडियोस आल्सो एज टू हाउ पीपल कैन एक्चुअली वर्क ऑन देयर वॉइस. तो जब आप पहले तो थैंक यू आप मुझे एक बहुत ही बड़ी श्रेणी में डाल रहे हैं, मैं उस श्रेणी में हूँ नहीं. आप हमारी नजर से देखिए
thank you. Nee, Amit ji is a legend when it comes, not obviously as a star, as a great actor, but in terms of the way he uses his voice. जी. मेरे लिए वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं मेरी लाइफ में. बट जस्ट टू करेक्ट यू, ये अब मेरा एक शौक नहीं, मेरा प्रोफेशन है. और आई थिंक अगेन ये प्लान्ड नहीं था, आई स्टम्बल्ड अपॉन इट. क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांस एक्टर क्या हो जाता है कि आपके पास कभी काम है कभी नहीं है. जी. और आप अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए रुकें और जो आ रहा है बस उसको ग्रैब ना करें, तो फिर आपके पास सस्टेनेंस पावर होनी चाहिए, यू नो, टू बी एबल टू वेट फॉर दैट नेक्स्ट गुड अपॉर्चुनिटी. तो ऐसा ही एक फेज जब आ रहा था, जब काम नहीं था हाथ में, तो मैं सोचने लगा अब क्या किया जाए. जी. क्या कोई बिजनेस खोला जाए, क्या किया जाए. लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसी फील्ड से जुड़ा रहूं. फॉर्चुनेटली मुझे एक दो ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप डबिंग वॉइसिंग करना चाहें तो आप ये कुछ कुछ एक दो स्टूडियोज हैं तो जाकर. तो मैं बस चक्कर लगाया करता था उन स्टूडियोज के और उनसे मिलता था, वही स्टूडियोज में बैठा करता था क्योंकि काम नहीं होता था उस समय. तो घंटों घंटों, छः छः सात सात आठ आठ घंटे बस स्टूडियो में बैठा रहता था और दूसरों को सुनता था कि वो लोग कैसे वॉइसिंग करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग वॉइस आते थे. तो ऐसा मैंने 6-8 महीने किया, क्योंकि बस ऑडिशन करता था, उसमें 2-3 घंटे लगते थे, बाकी 5-6 घंटे वहीं स्टूडियो में बैठता था. तो वो सुनते सुनते और फिर उन्होंने मौके दिए, यू नो, तो वॉइसिंग शुरू की. करते करते फीडबैक मिलते मिलते उसमें बहुत मेहनत की, घर जाके जाके उसको, यू नो, उसको तैयारी की जाती थी. रीडिंग पे बहुत काम किया जाता था. हिंदुस्तान में कई लोग ना जो रीडिंग है वो कई एक्टर्स जो है वो रीडिंग, उनकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती. उस पे काम करना, अपने वॉइस पर, डिक्शन पे काम करना, उसकी वॉइस की स्ट्रेंथ और उसकी रेंज पर काम करना. जी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड, यू नो. सो इट्स नॉट समथिंग कि आई वाज बोर्न विद नेसेसरी. बट ऑल्सो काउंटरिंग व्हाट यू सेड कि म्यूजिक और वॉइस ओवर अलग अलग हो, अगर एज अ वॉइस एक्टर, वॉइस आर्टिस्ट, अगर आप अपनी आवाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं, म्यूजिक से बेटर और कोई तरीका नहीं है. अच्छा जी. म्यूजिक इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली मेक योर वॉइस स्ट्रॉन्ग, अजाइल, फ्लेक्सिबल एंड इंक्रीज इट्स रेंज. जी. तो आप मिमिक्री वॉइस भी करते हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? नहीं, वो नहीं. वो इनफैक्ट एक्चुअली इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं जब हैदर में मुझे कास्ट किया गया था. जी. तो आपने हैदर देखी है? जी. तो हैदर में श्रद्धा कपूर के ब्रदर का एक पार्ट था, लियाकत, और ये दो जो गूफी पार्ट्स थे जो शाहिद के दोस्त होते हैं, सलमान और सलमान. जी. तो बड़ा इंटरेस्टिंगली विशाल जी ने मुझे ऑडिशन किया और उन्होंने कहा, यार मैं तुम्हें दो पार्ट्स के लिए सोच रहा हूँ. एक तो ये जो लियाकत है, भाई जो है, उसके 3 सीन हैं, और ये सलमान और सलमान जो पूरी फिल्म में आपको नजर आते रहेंगे. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने जब मुझे बुलाया, उन्होंने दिखाया मुझे कि ये आपके साथ दूसरे सलमान होंगे. वो एक रजत भगत एक्टर है. जी. वो मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टर एंड उससे भी माइंड ब्लोइंग मिमिक्री आर्टिस्ट. मतलब वो अकेले अकेले शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का एक डायलॉग पोर्शन बना सकता है खुद अकेले ही, तीनों की आवाजें निकाल के. और इतना प्यार, मतलब आप और वहीं इन प्रॉम्प्टू आप उसको कोई भी सब्जेक्ट दे दो उस पे बना के, ही इज ब्रिलियंट. तो अब वो आया और जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो बोलता है, सर सर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या ऐसे करें क्या? तो मैंने कहा, ओ गॉड यार, ये तो मतलब हूबहू सलमान है यार, यू नो. तो मैं सकते में आ गया. मैंने कहा, यार इसके साथ अगर मैं फ्रेम में हूंगा तो मुझे कौन देखेगा? किसी को देखेंगे? ये तो इतना कमाल करता है, यू नो.
ये पूरा मतलब ही वाज अ कंप्लीट ये उसने घूट घूट के पी लिया था सलमान खान को एंड ही इज सो गुड यू नो. तो मैंने मैं विशाल जी को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? हाँ हाँ. मैं कहा सर आप ना मुझे वो लियाकत वाला रोल दे देना, ये सलमान मत देना. तो वो मुझे बोलते हैं क्या पागल हो गए हो, अरे ये तो लंबा वाला रोल है, इतना अच्छा रोल है, क्या कर रहे हो, वो भी अच्छा पार्ट है लेकिन वो छोटा, मैं तो तुम्हें सलमान वाला देने की सोच रहा हूँ. मैं कहा नहीं सर वो मुझे खा जाएगा, वो इतना कमाल का करता है वो, और वो इतना अच्छा करता है, आपको प्यार हो जाएगा उसके करने से. तो मैंने कहा मैं तो नजर ही नहीं आऊंगा सर, आप कहाँ मुझे पता और बोलते आप मुझे कॉमेडी कराना चाह रहे हो लेकिन, और दोनों कॉमिक पार्ट थे थोड़े से ना, दे वर कॉमिक नेगेटिव अगर देखे तो, बाद में जाके दे बैकस्टैबल जी. तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही, तो भाई मुझ पे थोड़ा भरोसा भी रखो है? मुझे पता है मैं किसको क्यों कास्ट कर रहा हूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक एक दोनों लोग जो है वो सलमान के फैन दिखें, थोड़ा सा एक ह्यूमर एलिमेंट आए, लोगों को मजा आए इन कैरेक्टर्स को देखने में, लेकिन बाद में जाके ना वो जो कमीनापन दिखना है कि ये लोग इनके पीछे जो एक षड्यंत्र था, एक यू नो एक थॉट प्रोसेस था, वो जो दिखना है ना जी. वो मैं इसके जरिए नहीं दिखा पाऊंगा. क्योंकि एक बार आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया एक गूफी क्यूट तरीके से ना, लेकिन तुम्हारे में तुम्हारे जरिए मैं वो एक चेंज ओवर दिखा पाऊंगा जी. तो मुझे वो एक बैलेंस चाहिए. बाकी तुम उसके साथ रहो, बैठो, खाओ पियो और थोड़ा बहुत तुम भी सीख लो जो क्या तो मैं बड़ा, मैं जब शूटिंग भी कर रहा था मुझे बड़ा था यू नो घबराहट होती थी कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है. जब शूट होके खत्म भी हुआ, जब रिलीज भी हुई, मुझे लगा मुझे तो कोई नहीं देखने वाला, लेकिन फॉर्चुनेटली लोगों को पसंद आया जी. तो ये दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मिमिक्री इन माय लाइफ. मुझे नहीं आती मिमिक्री. तो एक यूथ से अभी तक का सफर, आई एम श्योर जैसे आपने पहले भी बताया कि थोड़ा सा मुश्किल था, इतना भी नहीं था, एवरीथिंग वाज नॉट प्लान्ड इन योर लाइफ, लेकिन आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि यार मुझे एक्टर बनना चाहिए, वो कौन सा मोमेंट था लाइफ का? तो मैं जब स्कूल में था आई थिंक 10 साल का 10 11 साल का, तो मेरी एक हिंदी टीचर थी. अच्छा. अलका मैम, अलका अखिलेश है, वो भी एक्ट्रेस ही है एक्चुअली. अच्छा. लेकिन वो उस समय हिंदी सिखाती थी जी. उस समय उन्होंने फुल टाइम वो एक्टिंग शुरू नहीं किया था. तो एनएसडी से हैं वो खुद. तो वो मुझे बहुत पसंद करती थी और उनके हिंदी सिखाने का जो तरीका था बहुत अच्छा था. और मुझे लगता है जितना मैंने, मुझे हिंदी से जो रुझाव रहा है, प्यार रहा है, वो उसमें उनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उन्हें बहुत बड़ा श्रेय जाता है. तो पहले तो मुझे उस लैंग्वेज से प्यार हो गया, मुझे, मैं एंजॉय करता था उनकी क्लास को. और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि एक कुछ छोटा सा एक स्कूल के छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग को 5-6 एक्ट कुछ तैयार करवाने हैं, हम टीचर्स को बताया गया है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसमें से एक एक्ट जो है उसमें तुम एक मोनो एक्ट करो. अच्छा, मोनो एक्ट. मुझे तो पता नहीं है. हाँ, तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है क्या है. उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें तैयार करवा दूंगी तुम्हें. तो मैंने कहा ठीक है. तो क्या चीज कराई उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो अभिनय में 9 रस होते हैं, यू नो 9 डिफरेंट इमोशन. तो अब तुम इमेजिन करो कि तुम घर पर बैठे हो और तुम्हारी तुम्हारी दादी अम्मा जो है वो तुम्हें बोलती है बेटा जाके बाजार से गोल गोल आलू ले आओ, छोटे नहीं बड़े नहीं, गोल गोल आलू, याद रखना, भूलना मत. क्या चाहिए? गोल गोल आलू. क्या? फिर से बताओ. गोल गोल आलू दादी माँ. और इस समय तुम जो है स्कूल में 9 रस के बारे में पढ़ रहे हैं और तुम बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो. तो अब जब तुम मार्केट जा रहे हो तो तुम याद रख रहे हो दादी ने क्या कहा था, गोल गोल आलू, और लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो है वो 9 रस चल रहे हैं.
तो बस यही करना है तुम्हें, तुम चलते हुए जा रहे हो और बोल रहे हो गोल आलू गोल गोल आलू गोल गोल आलू गोल गोल, चलो यही करना था मुझे तो। और मैंने यही किया, 8 से 10 मिनट मैंने गोल गोल आलू अलग अलग इमोशंस में बोला जी। और सारे बच्चे पागल हुए जा रहे हैं, लोट पोट हो रहे आ रहे, मैं हैरान हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मतलब आई एम अ स्टार यू नो, मतलब मैं तो मतलब लोग फिदा हो रहे हैं मुझ पे रहे। तो वो मेरा फर्स्ट क्या कहते हैं इनकाउंटर था विथ सडन पॉपुलैरिटी, सडन यू नो फेम विद इन ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल कि, एंड अ सर्टेन अप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट दैट आई हैड पुट। So suddenly I recognized two things. One, that I was good at something, you know, I just got it. उन्होंने मुझे समझाया और मेरे को समझ आ गया। कई लोगों को see क्या होता है, you have some natural nicks and knacks, you know. तो मुझे समझ आ गया, उन्होंने जो बताया मुझे, जो किसी और को बता रही थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था। तो एक तो I saw that I had the knack for it. And the second that I was totally mesmerized by the attention that I got because तो वो 10 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया मुझे एक्टर ही बनना है और कुछ नहीं चलेगा मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं। तो फिर वो अलग बात थी कि पापा बोलते रहे नहीं नहीं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, पहले MBA खत्म कर लो। तो वो उनको यकीन नहीं था कि भाई ये इसका सिर्फ ये सपना टाइप का है, कुछ नहीं होने वाला जी। हमारे पूरे खानदान में कभी कोई एक्टर नहीं बना, ये कहां से कौन एक्टर बन जाएगा, तुम अपना काम पे बिजी रहो, मैं बिजनेस सेट कर लेता हूँ, बिजनेस कर लेना तुम तो लेकिन मेरा तो वो 10 साल की उम्र में जो लग गया था मुझे, क्या है मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी वहां से शुरुआत हुई और अब यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे आलू देख के हमेशा आपकी याद आनी वाली है। हाँ, और एक उसमें क्या कहते हैं श्रृंगार जो रोमांस वाला जी, गोल गोल आलू गोल गोल आलू यू नो, मैंने कहा आलू के साथ रोमांस कर रहा है, गोल गोल आलू गोल गोल आलू एप्पल रेड रेड एप्पल आपके पीछे पड़ा है, अगर आप कहेंगे एप्पल के ऊपर सारे, मैं 9 के 9 देखना चाहती हूँ मैं एक्सप्रेशन। तो लाल लाल सेब, लाल लाल सेब, दिस इज सस्पेंस, लाल लाल सेब, लाल लाल सेब, लाल लाल सेब, लाल लाल से, लाल लाल से, लाल लाल से, लाल से, लाल लाल से That was so good. सारे 9 तो नहीं थे बट हाँ कुछ तो थे। It's actually difficult. एक रौद्र भी आता है इसमें, एक रौद्र भी आता है, लाल लाल सेब, लाल लाल सेब, नो वो भी हो सकता है। इसमें मुझे सनी देओल जी याद आ गए जैसे आपने भी किया। हाँ हाँ मजा आ रहे अच्छा ऐसा कौन सा वक्त था आपके पूरे कैरियर में जब आपको लगा यार कि नहीं अब नहीं होगा और फिर एकदम से कोई यू टर्न आया हो लाइफ में कि नहीं यार अब होगा, कुछ ऐसा कोई कभी नहीं आया? तो 2 बार ऐसा हुआ जब मैंने सोचा कि नहीं यार अब नहीं होगा। पहली बार जब ऐसा हुआ वो था जब मैं थिएटर कर रहा था और उससे मैं प्रोफेशनली बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ थिएटर कर रहा था तो कुछ कमाई नहीं हो रही थी और फिर मेरी उस समय शादी भी हो गई थी। तो उस समय जब कुछ यू नो जब आप कमा नहीं रहे हो उससे वो एक सिर्फ हॉबी जैसा दिखने लगता है परिवार वालों को और फिर वो मेरे दिमाग पे चढ़ गया, फिर मैंने छोड़ दिया।
दूसरी बार जब मैंने फिर से शुरुआत की तो 2007 में शुरुआत की और 2009 तक मैं करता रहा, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ एड्स हो रहे थे, कुछ मेजर काम नहीं हो रहा था। तो आई रिमेम्बर मैंने 2009 का इंटरेस्टिंग है, मैंने उस समय विशाल जी के साथ ना टेनिस खेलता था, तो मैंने उनसे पूछा कि विशाल जी मैं आपसे ऑफिस में मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। अगेन मैंने काम की बात नहीं की, तो मैं उनके पास गया, उनको बोलो क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आप जो हैं, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं था, ना आपके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे, तो अगर आप एक कुछ एडवाइस देना चाहेंगे मुझे याद है ना कि द डे यू हैव नो ऑप्शन बट टू सक्सीड विल बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस। आपके पास जब तक ऑप्शन बी रहेगा, आप कभी पूरी तरीके से ऑप्शन ए में डूबेंगे नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना भी कुछ एक किस्सा बताया था मुझे कि जब वो भी कुछ एक नौकरी करते थे जिसमें उनको कुछ 5-10 हज़ार रुपए, उन्होंने क्या अमाउंट बोला मुझे याद नहीं, मिलता था। और वो उसके साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन में कोशिश कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर उन्होंने अपने टाइम में जब रियलाइज किया कि नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। And it became difficult for him to survive, but he decided he was going to go totally into music direction. और उस पे पूरी तरीके से टूट पड़े। तो मैंने उनसे कहा, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे डैड का एक बिजनेस है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मतलब मैं अगर एक्टिंग में नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में है कि मैं, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा आप बोल रहा मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जब तक आपके पास ऑप्शन बी है, whenever until you don't have an option but to succeed in this, you will not give everything to it. तो ये, और ये तब तक तब conversation हो रही थी जब मैं हारने के कगार पर था, थोड़ा बहुत मतलब actually मैं सोच विचार कर रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब तक क्या था, मुझे ना थोड़ी बहुत जो है अपने डैड से भी, मैं उससे पहले क्योंकि 4 साल तक उनके कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था जी। तो मेरी रेम्यूनरेशन जो थी ना, नौकरी छोड़ने के बाद भी मेरी चल रही थी थोड़ी सी, तो बैंक में थोड़े पैसे आ रहे थे। तो मैंने फोन उठवाया सीधा, मैंने वाइफ को बोला मैं आ रहा हूँ घर बात करने। तो गया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई ये है कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और इसमें लग जाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ हो कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे हामी की जरूरत है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं करो, तुम पूरी जान लगा दोगे क्या। मैंने कहा हाँ लगा दो। तो मैंने डैड को फोन किया, मैं आ रहा हूँ मिलने। मैंने कहा डैड कल से प्लीज आपका जो भी कंपनी से पैसा आ रहा है प्लीज वो बंद कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं अब जो कमाऊंगा वो ही खाऊंगा, घर अपना खुद संभालूंगा, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, बट अब इसके बाद अब मैं जितना करना है मुझे खुद करना है। तो मैंने वो ऑप्शन बी जो है वो काट दिया और मैंने दौड़ भाग शुरू की बहुत, मतलब मैं उसके बाद उस समय तक मैं जब भी किसी के कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता मैं बोलता भाई लीड वाला ही देना मुझे और कुछ मत देना, लीड पार्ट जो है हीरो जो है वो है। उसके बाद उन्हीं कास्टिंग डायरेक्टर के पास मैं जा रहा था भाई कुछ कैमियो के लिए है क्या, कुछ 2-4 दिन का पार्ट हो, क्योंकि अब मेरी सेविंग्स जो है वो घटने लगी थी। अब मैं रियलाइज करने, और तब तक मेरी एक बच्ची भी थी, तो मैं रियलाइज करने लगा ओ गॉड यार मैंने ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और रिस्क ले लिया है, अगर नहीं बना पैसा तो मुझे वापस डैड के पास जाना पड़ेगा कि भाई दे दो भाई कुछ तो दे दो टाइप्स तो मैंने कहा नहीं यार वैसा नहीं करना है। तो ये था जून के करीब जब मैं बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल स्टेट में आ गया था जी। तो जून में मैंने फाइनली ना मैंने प्रार्थना की, मेरे एक वो जो अमिताभ बच्चन जो मंदिर के पास खड़े होते हैं
मैं वैसे अपने घर में खड़ा था और मैंने कहा भाई भगवान जी मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को 31 दिसंबर तक का टाइम देता हूँ, जून में था मैं, 31 दिसंबर तक का मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, प्लीज कुछ करा देना। उसके बदले मैं दो चीजें त्यागने के लिए तैयार हूँ, बार्टर सिस्टम। अच्छा। ब्राइब दे रहा था मैं भगवान को। हाँ, तो मैंने कहा मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा और मैं महीने के पहले 1, 2, 3 को नो फूड ओनली वाटर फास्ट करूंगा। ये मैंने तीन चीजें, ये मैं अपने फैंस के लिए भी करना चाह रहा था लेकिन मैंने उनको दिखाने की कोशिश की, देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये मैं 31 दिसंबर तक करूंगा, प्लीज कुछ कर देना इसके बदले। अगर आप नहीं भी करते तो भी मैं इन दोनों चीजों को कंटिन्यू रखूंगा, मतलब नॉनवेज जाएगा और ये मैं फास्ट रखता रहूंगा। तो मैंने कहा देखते हैं क्या ताकत है, यू नो उसकी टाइप। तो करते 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 30 नवंबर हो गई और मैंने उस पूरे 6 महीने में कोई काम नहीं किया। अच्छा। कुछ नहीं, मतलब एक एड भी नहीं किया मैंने। तो 30 नवंबर को मैं जम्मू में था, अपने भाई मेरे कजिन की शादी थी, तो मैंने डैड को बोला पापा मैंने सब कुछ ताम दाम दंड भेद सब ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो आई थिंक मैं, हम जब वापस पहुंचेंगे 1 दिसंबर को 2 दिसंबर को, तो मैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू बैक कंपनी में। सुने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो मैं बहुत हताश हो गया था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं 2 तारीख को हम वापस आए, और लेकिन मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था तब से, उसके बाद मैंने टच नहीं किया है आज तक। वो 2009 की बात है, 2009 की बात है। तो वापस आए और मैंने क्या कहते हैं ऑफिस वापस ज्वाइन किया, बड़ा दुखी था मैं। कट टू मुझे 15 तारीख, मतलब ना बीच बीच में एड्स के कॉल्स आते रहे, मैंने करने के लिए मुझे नहीं करना छोड़ दिया मैं। तो फिर 20 तारीख को मुझे एक नहीं 20 नहीं आई थिंक 27 तारीख को मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि एक एड फिल्म है जिसके लिए आप शॉर्टलिस्टेड हैं। तो मैंने कहा शॉर्टलिस्टेड कैसे, मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं है। नहीं, वो पुराना हमारे पास एक ऑडिशन था उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्टेड हैं। अच्छा। 3 लोग हैं उसमें से आप एक हैं। तो आप जनवरी की 12 तारीख को हमारा शूट है, आप रेडी हैं? मैंने कहा यार देखो मैंने यार एक्टिंग छोड़ दी है। तो नहीं सर आप शॉर्टलिस्ट पे हैं, हमने आपका जो पूरा वो सब है वो हमने क्लाइंट को दिखा दिया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, ऐसे मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा ठीक है जो भी है कर लेंगे, मतलब ओके। तो मैंने डैड को बोला मुझे शायद 1 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दैट वॉज द हाइएस्ट बजट दैट आई हैड गॉट इन माई लाइफ अंटिल देन, और उन्होंने खुद ही दिया था वो बजट। अच्छा। तो 31 तारीख को उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका फाइनल हो गया है। जी। 31 दिसंबर को उन्होंने फोन किया कि आपका फाइनल हो गया है और 12 तारीख को आपके साथ शूट होगा। जी। तो 12 तारीख को शूट किया मैंने। मीनवाइल 11 तारीख को मुझे कॉल आई कि हम एक सीरियल शूट कर रहे हैं, लागी तुझसे लगन कलर्स के लिए। अच्छा। तो उसमें हमें एक नेगेटिव कैरेक्टर की जरूरत है, तो आप आ सकते हैं प्लीज। मैंने कहा देखिए मैंने छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर प्लीज आप शॉर्टलिस्ट में। मैंने कहा क्या शॉर्टलिस्ट, मैं तो आया नहीं हूँ आपके ऑफिस में कभी, शॉर्टलिस्ट कहाँ से हो गया। नहीं हमारे पास फोटोग्राफ्स थे आपके फोटोग्राफ्स हमने चैनल भेजे हैं, आप अप्रूव हो गया, आप एक बार आ जाइए हम मिलना चाहते हैं। तो मैं 12 को शूट किया, 14 को मैं उनके पास गया मिलने के लिए। मैं अंदर घुसा, उन्होंने एक छोटा मुझे बोला था ऑडिशन करने के लिए, तो ऑडिशन किया मैंने। मैं बाहर निकला, मैंने कहा ओके, उन्होंने बोला बजट। मैंने कहा बजट क्या करेंगे आप करके, मुझे करना नहीं है, मैंने छोड़ दिया है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये सर। अरे आप बता दीजिए हमारा ये बजट है, जो भी उन्होंने अमाउंट बोला। मैंने कहा हाँ ठीक है जो भी है। मैं बाहर निकला, मैं
नीचे उतरा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, उनका कॉल आया, सर एक मिनट ऊपर आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैंने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? आपने कहा तीन का शॉर्टलिस्ट है, तीन लोग ना, आप तो अभी ऑडिशन भेजोगे? नहीं नहीं, हमारा ऑडिशन प्रोड्यूसर ने देख लिया, आप फाइनल। मैंने कहा क्या क्या फाइनल? क्या पार्ट है, कौन सा शो है, क्या टीवी सीरियल है ये, मेरे को पता ही नहीं कुछ कौन। तो मैंने कहा, मैं ऊपर गया, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो सर यहाँ ये देखिए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, हाँ तो यहाँ पे साइन करना है। तो मैंने साइन किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है सर, ओके परसों आ जाइएगा, आपके ट्रायल्स होंगे और 12 मार्च से हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं, 12 फरवरी से। मैंने कहा ओके ओके। तो मैं घर गया, मैं स्टंड हूँ। मैंने कहा दो साल से मैं ढूंढ रहा हूँ दर दर भटक रहा हूँ टेलीविजन शो के लिए, और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मैंने साइन कर दिया, मैं शो करने वाला हूँ। और मैं घर गया बीवी के पास, बोलते हैं उन्होंने तो बोल दिया इतना अमाउंट देने वाले हैं, तो आई थिंक उस समय कुछ 8,000 रुपये उन्होंने बोले थे पर डे, उन्होंने बोला 10-15 दिन रोज होगा। तो मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा था, अरे यहाँ से 1,00,000 रुपये महीने का आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ से कैसे। तो एंड और उसके बाद इट वॉज अ नॉन स्टॉप फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वॉज वर्किंग। अच्छा, हर महीने में 15-20 दिन कि पापा अभी बिजनेस नहीं, अभी दोबारा से तो पापा का क्या रिएक्शन। हाँ, पापा बोले पापा कभी 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 बोल रहे कर रहे, कभी बोले नहीं करना। मैंने कहा पापा वो जो मुझे मिल गया काम तो बाय बाय फिर से। आप खुद संभाल लो। तो ये आपने मुझे बाद में मैंने यू नो व्हेन आई हाइंडसाइट में जब मैंने देखा, मैंने रियलाइज किया भगवान भी मुझे बोल रहे थे अबे गधे के पूंछ, तूने मुझे 31 का टाइम दिया था ना, 31 तक वेट नहीं कर सकता था एक्चुअली यू नो, क्योंकि उन्होंने यू नो आई। तो मैंने कहा यार भाई पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस या इट वाज जस्ट अ टेस्टिंग ऑफ माय रिजॉल्व एंड माय फेथ, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में हर चीज जो भी हुई है उसमें मेरी मेहनत का तो थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन जस्ट डिवाइन ग्रेस राइट, यू जस्ट बीन, इट्स लाइक आप ना आप क्या कहते हैं, ये जो एक नाव है वो हवा में तैर रही है, आप बस एक्टिंग कर रहे हो चप्पू चलाने का, बाकी कोई और आपको लेके जा रहा है। मुझे लगता है हमारी जिंदगी है वो हमें नहीं पता। हाँ मतलब हम इस क्या कहते हैं इस भ्रम में रहते हैं कि हम चला रहे हैं यू नो, लेकिन वो सिर्फ ये एक्शन है और कुछ नहीं है यू नो, कि उस एक्शन से सिर्फ जो आपको लेके जा रहा है उसे इतना पता चल रहा है कि इसका इंटेंशन जो है वो है बस, कि वो नकली नहीं चला रहा, वो सब कुछ चला रहा है पूरा, उसको लग रहा है जैसे वही कुछ चला रहा है लेकिन कोई और लेके जा रहा है आपको। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर आपका इंटेंट जो है वो सही दिशा में है, आप पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करते हैं तो वो 90% तो ग्रेस ही आपको ले जाता है। There's something else, some power, some grace, something out there that carries you along. True, that's actually true. मैं भी इस चीज में बहुत मानती हूँ और फील करती हूँ। और जो विशाल जी ने आपको बात बताई कि बैकअप जब होता है तो ये बात एक्चुअली मुझे भी जब मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था यार जब लाइफ में बैकअप आ जाए ना, यू आर ऑन योर लाइक माइंड की कंफर्ट जोन काइंड ऑफ थिंग, कि चल अगर नहीं होता तो यू नो समथिंग इज देयर अप देयर। तो आई कुड रिलेट दैट एक्चुअली। तो इंडिया का जो अभी यूथ है, बहुत यूथ है या बच्चे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में, टीवी इंडस्ट्री फील्ड में, लेकिन अगर आप देखें कोई थिएटर ज्वाइन कर रहा है, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है, कोई कॉलेज में डिग्री कर रहा है एक्टिंग की, That is fine, वो जरूरी है कहीं ना कहीं स्किल्स के लिए, लेकिन एक चीज है जो यहाँ पर नहीं सिखाई जाती, जो आप उन बच्चों को, उन यूथ को आप मैसेज दे सकते हैं कि कैसे वो अपना यू नो यहाँ पर आके अपना कैरियर कैसे शुरू कर सकते हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं लेकिन कई बार वो सस्टेन नहीं कर पाते, यू नो आए और एकदम से गायब वापस, सो
उस उन चीजों से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? So, इसके दो पहलू हैं। एक तो मेरी एक्सपीरियंस में ना मैंने रियलाइज किया है कि जितने एक्टर्स मैंने देखे हैं अपने इर्द गिर्द जो भी, उसमें 95% एक्टर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने थोड़े बहुत नेचुरल टैलेंट पर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों ने एक्चुअली अपने क्राफ्ट पर मेहनत की है। ओके। तो ये कहना कि लोग थिएटर कर रहे हैं या एक्टिंग क्लासेस कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल ना, कई लोग उसको सिर्फ एक फैड की तरह कर लेते हैं। जैसे आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, आपको 4 साल इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा जी। आप एक शॉर्ट टर्म 3 महीने का इंजीनियरिंग कोर्स करके आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी जी, यू नो। तो एक किसी भी चीज में अगर आप महारत हासिल करना, महारत तो दूर की बात है, अगर आप रीजनेबली क्वालिफाइड भी होना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और एक दिशा दिखाने वाला इंसान चाहिए आपकी जिंदगी। यू नीड अ गुड गाइड, अ गुड टीचर। तो मेरा तो हर जो भी मुझे एडवाइस पूछता है, मैं उसको बोलता हूँ भाई आपको अगर एक्टर बनना है तो पहले तो आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है अपने क्राफ्ट पर, अपने ऊपर काम करने के लिए, एज एन एक्टर, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ बॉडी, एज अ वॉइस, एज अ मैनरिज्म, हर तरीके से अपने ऊपर काम करना होगा। ये सिर्फ एक तो एक सपना देखना एक चीज होती है, लेकिन उस चीज को हकीकत में बदलने के लिए आपकी कुवत कितनी है, आपकी ताकत क्या है, आपका आपका स्किल सेट्स क्या है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादातर लोग देखे जिन्होंने अपने स्किल सेट्स पर, ठीक है आज के टाइम में क्या हो गया, जो हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं ना, वो डांस पर काम कर लेंगे, वो अपने एक्शन पर काम कर लेंगे, थोड़ा बहुत शायद डिक्शन पर काम करेंगे, बट एक जो एक फुल फ्लेज्ड एफर्ट मेड टुवर्ड्स बीइंग अ गुड एक्टर बहुत लोग नहीं करते। तो मैं तो पहले सजेस्ट करता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट फ्रॉम, अगर इंस्टीट्यूट ही जाना है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए, और एक एक ओवर पीरियड, मुझे तो लगता है हर इंसान को थिएटर करना चाहिए, हर एक्टर को एटलीस्ट कहीं कुछ नहीं तो कुछ एटलीस्ट 2 से 3 साल थिएटर करना चाहिए। अब लोग बोले अरे 3 साल मेरे को तो वांगड़ो, मैं फिल्म करना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, आप इट देयर इज नो नथिंग रॉन्ग, आप कीजिए, बट सी एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है ना, आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ना तो काम करते हुए आपको सीखना पड़ेगा। तो जो भूल आप अपने रिहर्सल्स में, अपने प्रैक्टिस में कर सकते थे, वो वहां सबके सामने होंगी वो भूल, और जब सबके सामने होंगी तो उसको तो काम कराना है, जो प्रोड्यूसर है वो वहां आपको ट्रेनिंग करने तो बैठे नहीं है। तो एक बार भूल माफ की जाएगी, 2 बार की जाएगी, उसके बाद तो बोला जाएगा भाई लाइन पढ़ के आ जाओ, बोलना तो सीख लो, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैरेक्टर क्या है, वो तो सीख लो पहले, यू नो। तो मैंने बहुत लोगों को बहुत मायूस होते हुए देखा है, वो आ जाते हैं बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं आते, और उस वजह से वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि कोई अपना तो है नहीं वहां पर, कि एक माँ तो नहीं है ना, तो बोले कोई नहीं बेटा कोई नहीं, 2 बार कर ले, अच्छा कोई बात नहीं, आज पूरा दिन सिर्फ 13 सीन करेंगे बेटा, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो वहां आपको पैसा देके बुला रहे हैं, तो बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई, इसको निकालो किसी और को लाओ, सीधा वो बोलेंगे इट्स अ कट थ्रोट इंडस्ट्री। तो बहुत लोग टूट जाते हैं इससे, और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनमें मुझे क्या कहते हैं, एक स्पार्क दिखता है, पोटेंशियल दिखता है, लेकिन क्राफ्ट नहीं दिखता, यू नो, आपकी स्किल सेट नहीं दिखता। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, आवाज सबकी होती है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लगती है, बहुत वक्त लगता है, यू नो, उसको मांझने में बहुत साल लग जाते हैं, आसानी से नहीं आता है। जब मैं अगर यहाँ ऐसे बात करता था, वहां से यहाँ आने में मुझे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑलमोस्ट 8-9 साल लगे, यू नो। तो आई डोंट अग्री के अ लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ
important training, and therefore I feel a lot of people are not fully qualified to be actors. Having said that, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको इवन क्वालिफाइड होने के बावजूद आपको समझना पड़ेगा, ये मैं किसी और को भी रिसेंटली बता रहा था, कि आपको काम आना और काम मिलना ये अलग चीजें होती है। जी। काम मिलने के लिए मुझे क्या करना है उसका काम आने से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग, मैं बहुत साल अपने मैंने गुजारे ये सोचते हुए कि मैं अच्छा एक्टर हूं तो मुझे काम मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। काम मिलने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, यू नो, कि आपको सही जगह में होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो सही जगह क्या है, मेरे लिए क्या सही जगह है। यानी जब विशाल जी कास्ट कर रहे हैं और वो कश्मीरी रोल के लिए कास्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत सही जगह है वो, यू नो, तो वो सही जगह का कॉन्स्टेंटली लोगों से मिलना, बातचीत करना और ये समझना कि मेरे लिए एज एन एक्टर कौन सी सही जगह है, जहां पर मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी आएगी, तो पहले वो आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए तैयार रहना कि जब वो अपॉर्चुनिटी आए जहां पर मेरी यूनिक एबिलिटी की जरूरत है, मेरी यूनिक लुक की जरूरत है, तो मैं फुल उसमें डूब जाऊं ताकि वो मिल सके। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वो समझने में, तो आपको वो वक्त देना पड़ेगा उसमें। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो फिर आसान नहीं होगा वो, आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, या तो आपको तैयार रहना, आपको जिंदगी में तैयार रहना पड़ेगा कि जब आप कर रहे हैं, अगर आप रियलाइज करते हैं कि भाई मुझे तो लग रहा था मैं अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं रियलाइज कर रहा हूँ लोगों को नहीं लग रहा वैसा, तो फिर मुझे और क्या करना चाहिए। आपको प्रैग्मेटिक भी होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, यू नो, तो उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। और उसके बावजूद अब आपको जब आप कर रहे हैं, जितना समय भी करें वो आप वैसे करें जैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इतना भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो आपको अपने अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि भाई लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स, कुछ और कर लेते हैं, यू नो। जैसे मैंने इन माय केस, मैं कनेक्टेड रहना चाहता था तो मैंने डबिंग की तरफ ध्यान दिया, और आज के टाइम में बहुत ऐसे समय रहे हैं जब मेरे पास काम नहीं होता था एज एन एक्टर, तो मेरा घर जो है, मेरा किचन जो है, वो वॉइसिंग से ही चला है, तो और मैंने उसको कभी सेकेंड ऑप्शन नहीं रखा। जब मैं कर रहा था तो वो भी पूरी तरीके से कर रहा था, अभी भी करता हूँ मैं। Avengers, Spider-Man, हर जगह आपकी आवाज सुनी है। So, भारत अभी एक्चुअली Netflix पे भी एक दो सीरीज है, एक्चुअली एक व्हाइट लाइंस है, हसमुख जो अपने वीरदास जी का शो है, उसको भी मैंने इन इंग्लिश आई हैव वॉइस्ड फॉर हिम। ओके, तो as so you are dubbing from Hindi to English as well also? Yes. Great to know. So another skill set, right? So aap skill sets badhate rehna bahut zaruri hai, right? Aapko alag alag cheeze software actually, jaise hum log apne phone ka iOS android update karte hain, to mujhe lagta hai apna skill bhi update karna absolutely. तो भारत में एक ड्राइव चल रही है, चल रहा है वोकल फॉर लोकल, ताकि हम लोग इम्पोर्ट कम से कम करें और जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, जो वो सामान बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, उनके लिए वो चीजें ज्यादा लोगों की नजरों में आए और लोग मेड इन इंडिया में बेसिकली ज्यादा फोकस जाए। तो आपका इस बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? तो मेरे हिसाब से इट इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव, मतलब बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव। आप स्पेसिफिकली, यू नो, ये नहीं कह रहे हैं कि इस कंट्री से मत लेना, आप सिर्फ कह रहे हैं लो तो सिर्फ हिंदुस्तान का लो, या जितना तक हो सके हिंदुस्तान का बना हो लो। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, और आई थिंक एज कंज्यूमर्स हमें इस पे जितना हो सके इस पे फोकस करना चाहिए,
जहां तक हो सके हिंदुस्तान में बनी हुई चीजें ही खरीदनी चाहिए. लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी क्विक प्रोसेस, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आप यू ऑल्सो वॉन्ट अ सर्टन क्वालिटी, राइट, कि आपको अच्छी चीज भी चाहिए. तो इट्स अ बैलेंस जो हमें करना पड़ेगा, कि जहां पर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, भाई अगर ये चीज मुझे क्या कहते हैं जर्मनी की बनी हुई मिल रही है, अमेरिका की बनी हुई मिल रही है, चाइना की बनी हुई मिल रही है, तो यही चीज हिंदुस्तान में कौन अच्छी चीज बना रहा है जो मैं जो मुझे अच्छी लगे, जो शायद उस लेवल से थोड़ा कम हो लेकिन मुझे मेरा काम बन जाए उसमें. Right. तो ऐसे चीज में अगर हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला जो कंपनी है वो भी उस चीज को या रादर जब हम करेंगे तभी उसका उत्साह बढ़ेगा और वो उस चीज को उसमें उसके टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मुहिम है और हम सभी को इसका इसमें साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए. जी बिल्कुल. आपका जो कैरेक्टर था नजर वाले सीरियल में पूरे में निशांत का, उसमें आप एक लाइफ सेवर हर बार, मतलब कोई डायन हमला कर रही है, कोई चुड़ैल हमला कर रही है या कोई काली शक्तियां हमला कर रही है, तो आप हमेशा बचाते थे पूरे परिवार को. तो आप असली में इन शक्तियों में बिलीव करते हैं, डायन की, चुड़ैल की या कोई भी समथिंग रिलेटेड? तो जैसा मैंने आपको कहा, मैं एक डिवाइन ग्रेस में तो यकीन रखता हूँ, मैं क्योंकि मेरे साथ हुआ है लाइफ, राइट, मतलब कई सारी चीजें जो मेरी लाइफ में मेरे पर मुझे मिली हैं वो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मिल गई, अपने आप आई हुई ऐसे लगता है. अब मैं उसकी जब उसको थोड़ा सा डीप में जाता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ, अरे मैं वहां मिला था, शायद उसकी वजह से उसको पता चला, फिर उसने उसको बताया, उसने, तो ये वाया वाया हुआ है. बट आपको वो इजिली वो स्टेप्स नजर नहीं आते, ऐसा नहीं लगता कि आपने वो किया ताकि ये हो, आपने इसके लिए तो किया नहीं था, आपने बस आपने जैसे कुछ कुछ चीजें छोड़ दी थी दुनिया में. तो वो मैंने देखा है, अब मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि मैं योग में यकीन रखता हूँ. मैं यकीन रखता हूँ कि इंसान की अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा जो हम एक्चुअली हैं, जो द स्पिरिट दैट वी आर, द सोल दैट वी आर, इज केपेबल ऑफ लॉट मोर, यू नो. एंड अगर आप इफ यू कैन ट्रूली बी इन योगा, इन द सेंस इन यूनियन एज अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन बिकम सुपर ह्यूमन, यू आर केपेबल ऑफ सुपर ह्यूमन. So if that is possible, and आप देखते भी हैं, you know, कि यहाँ एक इंसान है जिसको 9 घंटे की नींद भी पूरी नहीं पड़ती, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो 21-21, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे सो के, non-stop लगे हुए हैं, you know. तो ये that person is like superhuman, आप हो जो यहाँ मतलब ना काम ही नहीं हो रहा, तो क्या डिफरेंस है दो लोगों में? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो बहुत मोटिवेटेड है, सिर्फ वो नहीं होता है, देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज दैट पर्सन हैज टैप्ड इनटू सम एनर्जी दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू टैप. इट्स मोर देन जस्ट मेंटल विल पावर, यू नो, इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव बट इट इज मोर देन जस्ट विल पावर. सो इफ दैट इज पॉसिबल, इफ अ ह्यूमन बीइंग कैन टैप इनटू अ सर्टेन रिजर्व टू बी सुपर ह्यूमन लाइक, what if some people, isn't it possible that some people who is probably corrupted by power would use that ability to be negative? So in that sense kai log bolte hain ki
अगर आपकी आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है नॉर्मली वो करीब 75 से 80 साल की होती है, जब आपकी पूरी लाइफ वो कहते हैं उसका यू हैव अ कर्मा फॉर योर फॉर अ सर्टेन लाइफ एंड इट गेट्स कम्प्लीटली यूज बाय बाय द एज ऑफ 80-ish एंड आफ्टर दैट यू नो यू हैड अ फुल फ्लेज्ड लाइफ बट इफ यू लीव much earlier you end up leaving with a lot of deep desires that were unfulfilled, right? They say like the unfortunate, really unfortunate case of say, you know, an actor who passed away recently. When something like that happens, in many cases it is said, kafi aapko kafi sages saints kahenge कि एक उतावला जो सोल है वो यू नो देर इन अ स्टेट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर एंड दे कैन इन दैट एनर्जी दे कैन एक्चुअली क्रिएट हैवक दे कैन एंटर पीपल्स बॉडीज दे कैन क्रिएट वो और अगर बाय एनी चांस द बेसिक attitude and intention was malice goes wrong wo phir it transfers into the energy also and they can wreak havoc and essentially if you look at it that's what all this is aap ye jo folk tales jo nikli hain wo isi sab se nikla hai ki it is not that logon ki sightings nahi hui hai you see when also ek agar हम as Hindus हम burn क्यों करते हैं, हम body को burn क्यों करते हैं, हम कपड़ों को क्यों distribute क्यों कर देते हैं, because the soul at some level is connected, is wanting to come back, wanting to return. If it's left unfulfilled, it needs to be released. And if and अगर आपने body ज़्यादा time वहाँ रहेगी, if it's not exhumed, उसको burn नहीं किया गया है, या उनके जो चीजें जिन चीजों से वो कनेक्टेड थे अगर वो चीजें आसपास मिलेंगी तो उनके वापस आने का और अनफुलफिल्ड होने की वजह से उस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने का चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज नाउ वंस देयर इन दैट 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 सिनेरियो दे नो लॉन्गर ह्यूमन दे नो लॉन्गर इन द बॉडी दे जस्ट एन एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन रीक हैवक So there are innumerable cases aapko mil jayenge jahan par spirits have unfulfilled spirits have created havoc. It's just an energy because it's no longer in such cases ab kya ho jata hai aap usko villainous bana dete hain ki you know ye gandi spirit ya jo bhi us tarah se but essentially it's aapko kuch sachmuch chahiye tha aur aap us samay aap guzar gaye. So you end with that energy and that thought is gone but the energy is still there and that energy is you know aap realize ke kuch waqt hota hai hamare jab aap sometimes when you're just very angry and animalistic nature pops up right aur us samay aap sochte nahi hai ki aap kya kar rahe hain aap bas karte hain ki koi samne aaya kisi ne badtameezi ki aapne usko चिल्ला दिया आपने उसको बहुत गलत तरीके से बात की और फिर बाद में रियलाइज करते हैं मैंने क्या किया यू नो सो देयर इज नो थॉट एट दैट टाइम इट इज जस्ट एन एनर्जी दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ यू एंड यू सकम्ब टू दैट एनर्जी सो आई फील ऐसी चीजें होती हैं अब वो क्या वो उल्टे पैर वाली होती हैं यू नो सो वो अलग चीजें होती हैं बट दैट इज आप डिबेट कर सकते हो बट क्या अनफुलफिल्ड डिजायर्स और उसके वजह से उनकी एनर्जी की वजह से जो बाकी इंसान जिंदा इंसान है उनकी जिंदगी खराब होना ये पॉसिबल है हाँ क्या उसको काउंटर करने के लिए ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं बहुत सारे हैं ब्लैक मैजिक यही है एक तरह से अगर आप देखें तो कि जो अनफुलफिल्ड स्पिरिट्स हैं उनसे कैसे डील किया जाए ब्लैक मैजिक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस वही होते हैं
अलग तरह के पूजा पाठ किए जाते हैं उनको, ताकि उनको शांति मिल सके, उनको फाइनली वो भाग दौड़ वाला जो एनर्जी है वो काम हो सके और उसको रिलीज मिल सके. तो अब इसको आप एक थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके उसको प्रेजेंट करते हैं. तो क्या एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, बट क्या अनफुलफिल्ड स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल होता है कई लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं हुआ है पर्सनली, बट होता है, बहुत सारे आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे. बिल्कुल. सो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे अभी तक अपने लाइफ में, न्यूज जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, रेडियो जॉकी, पहली बार एक बीजे को, एक वीडियो जॉकी को इंटरव्यू देके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया. और आज तो मैं क्या कहते हैं ना, मैं रूम क्वारंटीन में हूँ, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है और मौसम भी यहाँ बहुत प्यारा है स्कॉटलैंड में. तो I really enjoyed myself. I'm really glad we did this. और hopefully फिर से कभी करें. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, सुमित जी, हमारे शो पे आने के लिए, Know Your Celebrity KYC. और हम आपके आलू जरूर याद रखेंगे, मुझे तो अब हमेशा आलू खाते हुए आपकी याद आएगी. और आलू की डिश बनाते हुए मैं पक्का आपको फोटो भेजूंगी, ये बताते हुए कि आपको मिस कर रहे हैं. बिल्कुल आलू याद रखना. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you, man. And I'm sure आपके fans जहाँ भी कहीं बैठ के ये सब देख रहे हैं, वो safe हैं और अपना पूरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस time में distancing. आप in fact, I think ये film जो मैं इस समय कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, but ये एक तरह से एक बहुत बड़ा example है कि आपको अपनी ज़िंदगी नहीं रोकनी है ज़रूरी, मतलब लेकिन ये काम जो हम कर रहे हैं ये हम घर पर बैठे नहीं कर सकते, हमें निकलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं. लेकिन इसको करते हुए भी मतलब आप जो घर से काम कर सके प्लीज घर से ही काम करें, जो नहीं कर सकते वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लें, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, अपने आसपास के परिवार के जो लोग हैं उनके लिए. तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जीना बहुत जरूरी है और डिस्टेंस बनाए रखना, क्या कहते हैं अपने मास्क पहने रखना, बार बार जितनी बार हो सके अपने हाथ धोना और लोगों से दूरी बनाए रखना. जब जो हिंदुस्तानी कल्चर में मजा नहीं आ रहा है वैसे मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक मैं लोगों से गले नहीं मिलूं मुझे मजा नहीं आता, बट ये वैसा वक्त है जब हमें थोड़ा केयरफुल, कुछ वक्त के लिए केयरफुल रहना है तो बहुत जरूरी है. So it's a new short long distance with everybody. yeah. Unfortunately, but I think it's a learning. हमें सीखना चाहिए इससे कि and it's also an opportunity to show our grit and our हमारा determination कि हम इसमें से निकल आएंगे, जल्दी निकल आएंगे. चलिए सर, उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर न्यू मूवी. हम उम्मीद कर रहे हैं हम उसको जल्दी से आपकी मूवी रिलीज हो एंड वी गो एंड वॉच आउट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच अमन, गॉड ब्लेस, लवली टॉकिंग टू यू.